हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि आज हम बनाएंगे कस्टर्ड पुडिंग। और ये बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने एक पैन, पैन के अंदर डाल देंगे हम दूध। तो ये मैंने 1.5 कप दूध लिया है और इसको हम करेंगे अच्छे से पहले बॉयल। तो दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम चीनी। तो चीनी मैंने ली है 1 कटोरी, यानी छोटी वाली, यानी चम्मच से देखा जाए तो ये 5 चम्मच है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है। और इसको जब तक चलाएंगे जब तक कि चीनी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये ले लिया है मैंने कस्टर्ड पाउडर, यानी ये मैंने 3 चम्मच लिया है। तो इसको हम पहले घोल लेंगे, यानी कि जो नॉर्मली दूध होता है उसके अंदर उसको हम घोल लेंगे। तो ये मैंने नॉर्मली दूध लिया है, उसके अंदर ये सारा डाल दूंगी और इसको हम घोल लेंगे। तो इसको मैंने दूध के अंदर अच्छे से घोल लिया है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएं कि जिससे इसके अंदर लम्स ना पड़े और ये कस्टर्ड अच्छे से मिल जाए। तो मैंने वनीला वाला लिया है, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी या जो भी आपको पिस्ता पसंद है आप वो इसके अंदर फ्लेवर ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर सारा कस्टर्ड मिला दूंगी और ये बाकी का इसके अंदर ये मैं सारा डाल देती हूँ। और इसको हम अब पका लेंगे 5 मिनट के लिए कि कस्टर्ड इसके अंदर अच्छे से पक जाए और ये गाढ़ा हो जाए। तो इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरीके से मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा भी हो गया, यानी कि इस तरीके का गाढ़ा हमें चाहिए। तो इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ चेरी, यानी कि आप कोई से भी कलर की डाल सकते हैं। तो मैं ग्रीन और ये रेड डाल रही हूँ। ये मैंने 1-1 चम्मच लिए, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद लिया है ये मैंने बनाना, तो इसके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लिए और वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप इसकी जगह और कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। तो अभी केवल मैं बनाना ही डाल रही हूँ और इसको 2 मिनट और पकाऊंगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट ये अच्छे से पक चुका है, यानी कि इसके अंदर बनाना भी अच्छे से पक चुका है और चेरी भी। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको ट्रांसफर करूंगी। तो ये मैंने केक टीन ले लिए, तो केक टीन के अंदर इसको हम ट्रांसफर करेंगे। आप कोई सी भी केक टीन ले सकते हैं या आप बर्तन ले सकते हैं। और फिर इसको मैं इसके अंदर ये सारा डाल दूंगी। तो ये मैंने सारा डाल दिया है इसके अंदर और जब इसको ठंडा करना है हमें, जब ये ठंडा हो जाए फिर 1 घंटे के लिए इसको हमें फ्रीजर में रखना है। तो फ्रेंड्स, 1 से 1.5 घंटा हो गया है तो ये हमारा जम के पुडिंग तैयार है बिल्कुल। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। तो इसके ऊपर इस तरीके से आपको प्लेट रखनी है, जिस भी प्लेट में आपको निकालना है, और इस तरीके से उल्टी करके हल्का हल्का टैप कर देना है इसको। तरीके से ये निकाल लेनी है। तो वाओ, आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी हमारी पुडिंग बन के आई है। तो अब इसको हम करेंगे डेकोरेट, यानी वो डेकोरेट करेंगे हम फ्रूट से। तो सबसे पहले ये मैंने बनाना कट करके रखे हुए थे, तो इस तरीके से हम बनानास लगा देंगे इसके ऊपर ऐसे। आप कुछ भी फ्रूट लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं लगा रही हूँ वही आप लगाएं, जो भी आपको फ्रूट अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरीके से चारों तरफ इसके बनाना लगा दूंगी पहले। तो ये आधे में मैंने इस तरीके से बनाना लगा दिए। तो अब ये मैं लगाने वाली हूँ संतरे, यानी कि ये मैंने इस तरीके से, यानी ऑरेंज मैंने इस तरीके से काट लिए थे और बीच में से, यानी इनके बीज निकाल दिए। तो आप बीज निकाल दें और इनको इस तरीके से रखते जाएं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से ये रखती जा रही हूँ। तो ये मैंने, अब मैं रखूंगी कीवी। तो ये इस तरीके से कीवी रख देंगे हम। तो अब मैंने कीवी रख दी, कीवी के बाद रखेंगे हम एप्पल। तो एप्पल के भी मैंने इस तरीके से पीस कट कर लिए, तो वो भी हम इस तरीके से रख देंगे ऐसे। तो ये देखिए मैंने इधर इस तरीके से इसको ऐसे रख दिए और बीच में रख दूंगी मैं इसके चेरी, यानी जो बड़ी वाली चेरी आती है आप वो रख दें अगर आपको अच्छी लगती है तो।
और फिर थोड़ी सी डाल दूंगी मैं ये ग्रीन चेरी छोटी वाली। ग्रीन चेरी डाल दी है मैंने, अब रेड डाल दूंगी, यानी इस तरीके से यहाँ जहां पर भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे करें। तो ये सारे फ्रूट मैंने लगा दिए हैं और फिर उसके बाद डालूंगी मैं शहद। अगर आप डालना चाहें तो डालें, पर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी लगता है, तो आप एक बार इसको जरूर डाल के देखें। तो ये देखिए मैंने ये इस तरीके से चारों तरफ डाल दिया है, तो ये हमारा बिल्कुल बनके तैयार है, यानी कि हमारी कस्टर्ड पुडिंग बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बनके तैयार है, आप इसको कट करके सर्व कर सकते हैं और खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी है। मैंने नीचे प्लेट में फ्रूट और लगा दिए कि यानी ये देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। अगर आपको मेरी फ्रूट कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें।